एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज की वीडियो होने वाली है एक हॉल वीडियो। अमेज़न से कुछ चीजें मंगवाई हैं तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे फर्स्ट मेरा प्रोडक्ट है वो है ये टॉप। दिस इज द स्लीवलेस टॉप बाय वेरो मोडा। एकदम सॉलिड कलर में है, कलर इसका बहुत प्यारा है, बोट नेक है, पहनने में बहुत अच्छा है। मेरे पास अगर आपको याद होगा लास्ट ईयर मैंने सेम पैटर्न का ब्लू कलर परचेस किया था। इस बार मैंने रेड लिया है बिकॉज वो ब्लू कलर भी इतना ज्यादा कंफर्टेबल है और मैं उसको बहुत पहनती हूँ। सो इसको मैं घर पे भी पहन लेती हूँ, बाहर भी पहन लेती हूँ, जहां मन होता है वहां पहन लेती हूँ। क्वालिटी फैब्रिक सब कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। एंड या दिस इज माई फर्स्ट टॉप। उसके बाद जो सेकेंड टॉप मैंने मंगवाया है वो है ये इस तरीके का फ्रॉक स्टाइल का टॉप है एंड दिस इज इन द शेड ब्लू। एंड ब्लू कलर भी काफी अच्छा लगता है ना समर्स में, गर्मी में पहनने के लिए टॉप होते हैं ना वो काफी कम है। तो यहाँ पर तो भाई इतनी ज्यादा ह्यूमिड होता है कि आपको भी बाहर निकल रहे होते हो तो आप थोड़े भी थिक फैब्रिक के, मतलब ये जो मैं टॉप पहनी हुई हूँ आई कांट वेयर इट आउटसाइड इन समर्स बिकॉज अभी तो मैं एसी में बैठी हूँ तो बहुत गर्मी लगती है। सो आई प्रिफर कॉटन के टॉप्स स्पेसिफिकली एंड स्लीवलेस हो तो वेल एंड गुड है। तो ये मैंने थोड़ा लूज पैटर्न में मंगवाया कि थोड़ा यू नो ढीला ढीला सा हो, पहनने में ऐसे अनकंफर्टेबल सा ना लगे। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉप। नेक्स्ट टॉप है ये मेरा अभी नया परचेस नहीं है बट मैं जब भी पहनती हूँ ना मेरे पास इंस्टाग्राम पे इसके स्क्रीनशॉट्स मैसेजेस आते हैं कि ये टॉप आपने कहाँ से लिया है, ये टॉप आपने कहाँ से लिया है। सो लुक एट दिस टॉप। इसको भी मैं बहुत टाइम से, मतलब 2 साल से मैं इसको रगड़ रही हूँ, डे एंड नाइट कितना पहनती हूँ, मतलब मैं इसको बाहर भी पहन के चले जाती हूँ, घर में तो इसको मैंने रगड़ा है। एंड लुक एट दिस, इसका कलर इतना सा भी कलर फेड नहीं हुआ है, कलर वो नहीं हुआ है। इवन अभी भी मैं इसमें आयन कर दूंगी तो आप बाहर पहन के जीन्स के ऊपर जा सकती हूँ, इट्स दैट ग्रेट। सो ये है मेरा टॉप, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगी अमेज़न का, इस टॉप का बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। प्राइस थोड़ा 400 रुपए कुछ का आता है, 350-400 का आता है बट वर्थ इट है, बहुत चलेगा। आप घर पे भी रगड़ो बाहर भी रगड़ो पता नहीं चलेगा कि वो आपने उसको घर पे इस तरीके से पहन रखा है एंड कॉटन है। उसके बाद जो नेक्स्ट परचेस है वो है ये फैबली का ड्रेस मैंने परचेस किया है। मुझे ना काफी टाइम से टैन कलर में चीजें चाहिए थी, जैसे कि मुझे टैन कलर का एक बैग चाहिए, फुटवेयर चाहिए और एक ड्रेस चाहिए था। तो बैग तो अभी तक मुझे मिला नहीं जिस तरीके का मुझे चाहिए बट हाँ मुझे ड्रेस बहुत प्यारा सा मिला है। बर्नट ऑरेंज टाइप का कलर है, नॉट एग्जैक्टली अ टैन कलर बट बर्नट ऑरेंज आप इसको कह सकते हो। इट्स अ ब्यूटिफुल समरी ड्रेस, बहुत ही प्यारा इसका फ्लेयर है, ये देखिए इट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल, प्रिटी, लाइट वेट, फ्लोई सी है, आई रियली लाइक इट। हाँ, और मैं जस्ट सोच रही हूँ कि कब इसको कहाँ पहन करके जाऊँ। उसके बाद जो मैंने मंगवाया है वो है ये टैन कलर के फुटवेयर जिनको मैं पहन भी चुकी हूँ एक बार, फुटॉन्स, एंड बहुत ही प्यारे हैं। आप इनको, इनका डिज़ाइन देखिए, यहाँ पर ना बहुत ही प्यारा सा ऐसे क्रोम फिनिश में गोल्डन टच दिया हुआ है। एंड लुक एट दिस, इट्स वेरी स्लीक एंड स्टाइलिश। आप सूट्स में पहन सकते हो, जीन्स में पहन सकते हो, इस तरीके की ड्रेसेस में पहन सकते हो। तो ये मैं एक बार पहन चुकी हूँ, दे आर वेरी वेरी कम्फर्टेबल। ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट। पीछे से थोड़ी गंदी हो रही है तो मैं दिखा नहीं रही हूँ पीछे से आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है इज दिस इनिसफ्री का लिप बाम। सो मेरे जो लिप्स हैं, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी सीजन हो, कोई सा भी सीजन हो, बहुत ऐसे ड्राई, मुझे यहाँ पर बहुत ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है। नो मैटर मैं किसी भी ब्रांड का लिप बाम लगा लूँ, मैं इवन शहद लगा लूँ, मलाई लगा लूँ, बट वो नेक्स्ट डे वैसे ही हो जाते हैं। मैंने इसके बारे में ना काफ़ी जगह सुन के रखा था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लिप बाम अवेलेबल इन द मार्केट। तो आई थॉट कि चलो ट्राई करके देखते हैं। एंड इसके अंदर ना कोई भी कलर नहीं है, दिस इज कलरलेस। और दिन के टाइम पे मुझे लिप बाम थोड़े कलर वाले लगाना पसंद होता है। तो जैसे मैं अभी दिन में मामर्थ ही यूज कर रही हूँ, मेरे पास काफी सारे एज अ प्रमोशन के टाइम पे आए थे, सो आई एम यूजिंग दैट ओनली एंड आई एम वेरी हैप्पी। मतलब वो 3 से 4 घंटे का अच्छा मॉइस्चराइजेशन देते हैं बट आपको 3-4 घंटे बाद वापस से रीअप्लाई करना पड़ता है। इसको मैं क्या करती हूँ, रात में लगा करके सो जाती हूँ एंड नेक्स्ट डे ओ माई गॉड माई लिप्स फील सो सॉफ्ट। इवन मुझे ऐसा लगा है कि मेरे लिप्स का जो कंडीशन है, जो उसमें जो कलर है वो भी इम्प्रूव हो रहा है। दिस इज नॉट लाइक अ लिप बाम, इट्स अ लिप ट्रीटमेंट। मैं इसको लिप बाम तो नहीं बोलूंगी, ये एक टाइप का ना लिप ट्रीटमेंट है। ये भी मैंने अमेज़न से मंगवाया था जस्ट ट्राई करने के लिए, आई लव्ड इट, मतलब एब्सोल्युटली लव्ड इट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये एम कैफीन का नेकेड एंड रॉ कॉफी बॉडी स्क्रब। सो मैं ना थोड़े दिन, मेरे पास ये प्रोडक्ट भी आया था फ्रॉम द मॉम्स को, ये भी अगेन कैनबेरी बॉडी स्क्रब ही है। तो ये भी मुझे ब्रांड प्रमोशन के साथ ही आया था, ये भी वैसे ही आया था बट इसको अब मैं खुद परचेस करती हूँ बिकॉज ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। सो आई यूज इट एज वेल बट मुझे मज़ा नहीं आया। इसके बीच में बस एक दो स्क्रब्स आए थे एंड उनको भी मैंने ट्राई किया बट लिटरली मुझे मज़ा नहीं आया। देन आई हैव टू ऑर्डर दिस वन। अभी भी आपको अपने आप को पैम्पर करने का मन करे ना, जस्ट यूज दिस। आपको सिर्फ अपने बॉडी में उसको लगा के स्क्रबिंग करनी है एंड वॉश कर लेना, आपको ऐसा लगेगा
बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपकी स्किन बहुत अच्छी लगने लगेगी। बाद जो लास्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो है ये फियामा का शावर जेल लेमन ग्रास एंड जोजोबा सॉरी, ये मैं अभी यूज़ कर रही हूँ करेंटली। मैं काफ़ी सारे ना बॉडी वॉशेस जो है वो ट्राई कर रही हूँ, सो डू लेट मी नो अच्छे बॉडी वॉश मुझे सजेस्ट करिएगा, अच्छी फ्रेग्रेंस जो स्टे करे एंड बहुत प्यारी एंड फ्रेश सी हो। सो आई एम यूजिंग दिस, बहुत अमेजिंग नहीं है, सो गुड है प्राइस के हिसाब से, इट्स वेरी गुड और चलता भी बहुत है। मैं इतने दिन से यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ इतना ही खत्म हुआ है। सो दिस इज माई लास्ट प्रोडक्ट। सो ये सारे प्रोडक्ट्स की लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड या दैट्स इट फॉर माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।